इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। शरीर के सभी प्रकार के कोशों पर थायराइड ग्रंथि नजर रखती है। बालों का बढ़ना, हमारा मूड, रोग प्रतिरोधक शक्ति, शरीर में ऊर्जा का संचार, पाचन, चयापचय वगैरह सभी प्रकार के कार्य को ठीक ठाक से चलने में थायराइड ग्रंथि की अहम भूमिका होती है। जब थायराइड की ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन कम या ज्यादा बनने लगे तब पूरे शरीर का आरोग्य बिगड़ने लगता है। थायराइड की बीमारी लागू हो जाए तब हमें पता चलता है और हम तरह तरह के उपाय सोचते रहते हैं। हकीकत में देखा जाए तो थायराइड की बीमारी होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार है यह ढूंढने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। यदि थायराइड की समस्या पैदा करने वाले कारणों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए तो व्यक्ति इस समस्या से बच सकता है। दोस्तों, बहुत ही कम वीडियो में यह जानकारी दी जाती है, उसी के कारण हमने इस वीडियो में थायराइड के कारणों के बारे में चर्चा की है। थायराइड होने का सबसे पहला कारण तनाव रहता है। आजकल जिसे देखो वह तनाव या चिंता की स्थिति में जीवन गुजार रहा है। चिंता करने से तनाव का मुख्य हार्मोन कॉर्टिसोल थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए जाते ट्रायोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन में बाधा डालता है। थायराइड के यह उपयोगी हार्मोन बन जाए तो कॉर्टिसोल उसका उपयोग शरीर को करने नहीं देता है। व्यक्ति यदि ज्यादा तनाव में रहता है तो थायराइड का शिकार अवश्य हो सकता है। विटामिन ए। थायराइड की समस्या में विटामिन ए की अहम भूमिका होती है। विटामिन ए अगर कम रहता है तो थायरोक्सिन के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ TCH लेवल को भी सामान्य नहीं रहने देता है। ऐसे में आपको विटामिन ए वाली चीजों का समावेश अपने भोजन में नियमित रखना चाहिए। सेलेनियम की कमी। लीवर में ट्रायोडोथायरोनिन का थायरोक्सिन हार्मोन में रूपांतरण शरीर करता रहता है। उसके लिए सेलेनियम तत्व की शरीर को आवश्यकता रहती है। यदि इस प्रक्रिया में समस्या पैदा होती है तो मुश्किलें बढ़ती हैं और थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने लगती है। आयोडीन। ट्रायोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन जैसे हार्मोन थायराइड ग्रंथि बनाती है। दोनों का उत्पादन ठीक तरह से होता रहे उसके लिए आयोडीन तत्व बहुत जरूरी है। आयोडीन बढ़ जाए या फिर घट जाए तो थायराइड का रोग हो जाने का कारण बन जाता है। सेकेरिन। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सेकेरिन और स्क्रालोज की, जैसे हम शुगर फ्री बोलते हैं, ऐसे स्वीटनर का इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स और फूड में किया जाता है। ऐसे स्वीटनर और फूड दोनों थायराइड के लिए घातक साबित होते हैं, इसे नहीं खाने चाहिए। ग्लूटेन। गेहूं, चावल, ओट, जौ वगैरह में ग्लूटेन पाया जाता है। यह थायराइड के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ज्यादा ग्लूटेन वाला खाना खाया जाए तो भी थायराइड हो सकता है। यह एक प्रकार का तेज प्रोटीन है जो मुश्किलें पैदा कर सकता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट। एंटीबायोटिक दवाइयां आजकल बहुत चलने लगी है। छोटी मोटी समस्या में हम लोग एंटीबायोटिक दवाइयां खाते रहते हैं। इन दवाइयों का रिएक्शन या फिर साइड इफेक्ट्स भी थायराइड के ऊपर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री। परिवार में अगर माता पिता को थायराइड की समस्या रही हो तो बच्चों में भी यह बीमारी आने की संभावना एकदम से बढ़ जाती है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आपका दिन शुभ रहे।